हेलो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या आज का जी ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। लगभग 4:30 बज चुके हैं और अब तक का क्या अपडेट रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम में, वो हम देख लेते हैं। पारस डिफरेंस और आदित्य बिरला का बता दें, यहाँ पे आदित्य बिरला का मैंने फुल रिव्यू वीडियो ही नहीं बनाया है, तो अभी थोड़ा डिले हो रहा है। तो आप इस चैनल पर बने रहें, जल्द ही इस आदित्य बिरला का पूरा रिव्यू आएगा, उसमें आपको अच्छे से बताया जाएगा कि क्या आपको इसमें एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्राइब इस चैनल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। चलिए देख लेते हैं पारस डिफरेंस। देखिए, पारस डिफरेंस ये 21 को स्टार्ट हुआ था, 23 को क्लोज हो गया था। जो इसका प्राइस रखा गया है 165 से 175 रुपये रखा गया है। जो इसका मार्केट लॉट रखा गया 85 शेयर रखा गया है और इशू साइज रखा गया 170 करोड़, जो कि बहुत कम है। 170 करोड़ अभी तक 2021 में भी ऐसा कोई आईपीओ नहीं आया जो इतना कम शेयर अपना शेयर कर रहा हो, तो पहला यही देखने को मिला है पारस डिफरेंस। लेकिन इसी का जो जीएमपी है, मार्केट कैप है, इसी का सबसे धांसू है। तो आप देखे होंगे जाके मेरा वीडियो, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप इसका रिव्यू देखेंगे और इसमें कैसे एंट्री करना था, क्या करना था, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया है। और इसका जो फेस इशू रखा गया है 140 रखा गया है और ऑफर फॉर सेल 30 रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे आपको मल्टीपल अकाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है। मल्टीपल अकाउंट कहने का क्या मतलब है कि मल्टीपल अकाउंट मतलब अलग अलग ब्रोकर या एक ही ब्रोकर आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने वाली ये बात है कि आपको डिफरेंट पैन कार्ड की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक ही पैन कार्ड से बनाएंगे तो आपको आईपीओ नहीं मिलेगा। तो आप अपने घर में जितने भी डिफरेंट पैन कार्ड है, आप उससे आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं। देख लेते हैं इसका कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। देखिए, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 250 रुपये चल रहे हैं अभी तक। ये 25 सितंबर आज का अपडेट है, तो अभी तक जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 250 रुपये चल रहा है। अगर इसको हम जीएमपी में कन्वर्ट करके, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताएं, तो लगभग 146% का इसने अभी तक रिटर्न दिया है। अगर आपने एक लॉट लिया होगा लगभग 14,875 रुपये, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करके बताएं प्रॉफिट में कितना हुआ, तो लगभग मान सकते हैं कि 15,000 इसका अभी तक का प्रॉफिट गया है, जो अभी तक का जीएमपी चल रहा है 146%। देख लेते हैं आदित्य बिरला। देखिए, आदित्य बिरला का 29 सितंबर को आने वाला है और 1 अक्टूबर को क्लोज होएगा, 3 दिन इसके में समय मिलेगा। जो इसका प्राइस रखा गया 695 से 712, जो मार्केट लॉट रखा गया 25 शेयर रखा गया, मिनिमम क्वालिटी 20 शेयर रखा गया, सॉरी लिस्ट दोनों पे होने वाला है, BSE NSE। इशू साइज रखा गया है 2768 करोड़, मतलब बहुत अच्छा इसका इशू साइज रखा गया जो अपना शेयर सेल कर रहे हैं। ऑफर फॉर सेल जो रखा गया 100% रखा गया, यही हमको देखने को इसमें अच्छा लगा। अभी वीडियो आएगा, जल्द ही इस पर वीडियो हम बनाने वाले हैं, इसका रिव्यू देने वाले हैं अच्छे से। इसका जो अलॉटमेंट डेट आएगा 6 अक्टूबर को आएगा और इनिशियल रिफंड 7 अक्टूबर को आएगा। 8 अक्टूबर को आपको डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रिएट कर दिया जाएगा और लिस्ट हो जाएगा 11 अक्टूबर को। पारस वाले में मैंने आपको नहीं बताया था कि इसका कब अलॉटमेंट आया था, 28 को अलॉटमेंट आएगा और रिफंड 29 को आएगा, क्रिएट हो जाएगा 30 तारीख को और एक लिस्ट हो जाएगा, ठीक। बस देखना यही है किसको अलॉटमेंट मिलता है। अगर हम इसका बात कर लें जीएमपी के बारे में, ग्रे मार्केट प्रीमियम आदित्य बिरला का, तो अभी तक 70 रुपये इसका जीएमपी चल रहा है। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो एक्यूरेट 10% इसका अभी तक प्रॉफिट गया है। तो आप इस चैनल से बने रहें, जल्द ही आदित्य बिरला का रिव्यू आने वाला है, बहुत ही बढ़िया शानदार बना के लाएंगे आपके लिए, ताकि आपको देख के समझ में आए और आप उसके साथ क्या डिसीजन लेने वाले हैं, आपने क्या सोचा है, आपकी सोच में हम ट्राई करेंगे कि आपकी सोच में हम थोड़ा बूस्ट कर सकें। चलिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।